मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल का टॉपिक। आपने थंबनेल टाइटल देखा, जब सबसे अच्छा टॉपिक है तो ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट रिमूवर टूल। ठीक है, IMI अगर आपका ब्लॉक हो चुका है फोन का, उसको रिमूव करने का टूल कौन सा है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे फ्री में हम लोग कर सकते हैं, ये सब चीज़ समझेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नया चीज। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई फोन खरीदते हैं लेकिन उसका IMEI ब्लॉक होता है, या तो वो चोरी का फोन होता है या क्राइम में एक्सेस किया गया फोन होता है, तो उसके वजह से भी आपका ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं बार बार सजेशन देता हूँ, फोन खरीदने से पहले IMEI को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको चेक करना नहीं आता, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए कि IMEI को कैसे चेक किया जाता है, वो ब्लैकलिस्टेड है या नहीं। अगर फिर भी किसी कारण से ब्लैकलिस्टेड हो गया है आपसे या पहले से ऑलरेडी है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे देखिए। इसके लिए दो तरीका होता है। एक तो आप मोबाइल दुकान में जाकर के आप कर सकते हैं, मोबाइल जो एक्सपर्ट है जो अच्छे लेवल पे काम करता है उनको बोलना होगा कि मुझे IMEI को रिप्लेस करना है, तो वो IMEI रिप्लेस करके नया IMEI उसमें डाल देंगे, राइट। तो जो भी खर्चा आएगा दे दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। अगर आप चाहते नहीं इतना हैरेसमेंट मुझे नहीं करना है, तो आप सिंपली घर बैठे अपने मोबाइल से ही ये काम कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाएंगे और गूगल में जाने के बाद लिखेंगे यहाँ पे अनब्लॉक हेयर। ठीक है, अनब्लॉक हेयर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला वेबसाइट आपको नजर आएगा ये वाला unblockhair.com। ठीक है, मैं इसका लिंक नहीं देने वाला हूँ, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा unblockhair.com लिखा है, अनलॉक या अनब्लॉक जो बोलना है बोलिए, unblockhair.com लिखा हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करिएगा तो आपको पहले याद रखिएगा जो IMEI ब्लॉक है उसको लिख के रख लेना पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आना है स्क्रॉल करके थोड़ा सा। इसमें बहुत सारे सर्विस और भी है, बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, लेकिन मेरा फिलहाल टॉपिक है IMEI का। अगर आपके IMEI ब्लैकलिस्टेड हो चुका है तो उसको अनब्लॉक करने का तरीका यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सर्च में क्लिक करेंगे, IMEI ब्लैकलिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे डिवाइस को चुनने बोलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस को चुनने बोलेगा और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्री मेंबरशिप रिक्वायर्ड बोल रहा है, यहाँ पे आपको करना होगा इसके सर्विस को लाभ उठाने के लिए, राइट। तो इसमें डिवाइस का कौन सा मॉडल है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल मेरा अभी जो मॉडल है वो मेरा है मोटोरोला, एग्जाम्पल दिया, और सिंपली करने के बाद नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको उसका IMEI नंबर डालना है जो IMEI ब्लॉक हो चुका है, राइट। यहाँ पे आएंगे और IMEI अगर आपके पास लिख के रखे हैं तो आइएगा और कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। मैं पेस्ट कर दिया हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपसे नाम और ईमेल आईडी मांगेगा, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, और यहां पे दो छोटा छोटा बॉक्स दिया तो टिक मार करके IAM NOT ROBOT पे क्लिक करना, स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करना। तो हम सिंपली कर देते हैं, जो नाम है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम है अजय यादव डाल देते हैं, ईमेल आईडी जो है वो डाल देता हूँ, यहाँ एग्री कर देता हूँ, टिक मार देता हूँ, IAM NOT ROBOT पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस, क्या ड्रामा है। देखिए, ईमेल आईडी ऑलमोस्ट डन, क्या लिखा है, एक्सपेक्ट योर ईमेल विद इन 15 मिनट। ठीक है, और चेक योर स्पैम प्रमोशन, मैसेज चेक करने बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेंगे, अपना ईमेल आईडी खोलेंगे, इसमें क्या मैसेज दिया है और क्या है नहीं है इसके हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, नाम और ईमेल आईडी डालकर सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसका न्यूज़लेटर, तो बहुत बढ़िया होगा आपके सपोर्ट के लिए। अब ईमेल आईडी ओपन करेंगे, ईमेल आईडी में मैसेज आएगा, क्या करना कैसे करना समझते हैं। ईमेल आईडी में अगर 15 मिनट 20 मिनट के अंदर नहीं आता है तो देखिएगा, ये जो निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए मैसेज आया कंफर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपना मेल खोलेंगे, आपको वही ईमेल आईडी डालना है जो आपके फोन में लॉगिन हो, तो मेरा लॉगिन था पहले। यहाँ कन्फर्म ब्लैकलिस्ट अनब्लॉक लिखा है, कन्फर्म करेंगे यहाँ पे, तो जो परमिशन मांगता है आपको दे देना है और सिंपली आगे का प्रोसेस पे ध्यान देना है। देखिए, कंफर्म, प्लीज कंफर्म योर ऑर्डर, क्या करने बोल रहा है, यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक नंबर, दो नंबर, उसका सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ IAM NOT ROBOT पे क्लिक करना है, गेट मेंबरशिप कोड। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, आप गेट मेंबरशिप कोड पे आएंगे, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, डाउनलोड मेंबरशिप आईडी, अभी यहाँ आपको मेंबरशिप आईडी डाउनलोड कर लेना है, आपके पास पहुंच जाएगा, ये बहुत सिक्योर है, यहाँ से कर लीजिएगा। करने के बाद जो कोड मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कॉस्ट फ्री है, टाइम है 5 मिनट का, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा और सिंपली सबमिट कर दीजिएगा। तब उसके बाद आपके आगे का प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा नहीं होगा यहाँ पे देख लीजिएगा। तो फिलहाल जो मेरा IMEI नंबर था वो मुझे अनब्लॉक नहीं करना था, मेरा ऑलरेडी अनब्लॉक है, तो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, आप लोग यहाँ पे प्रोसेस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कोड,
ठीक है, मैं बार बार यहाँ क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, तो आपका जो प्रोसेस है आगे का बताया जाएगा। और अगर आपको ज्यादा समझना है ना कि और कैसे काम है, इस वीडियो को देख लीजिए यहाँ पे प्ले करके, तो यहाँ पे दिखा देगा, लगभग 1 मिनट 52 सेकंड का वीडियो है, यहाँ देख लीजिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। और बाकी ये वेबसाइट भी बढ़िया है, खराब नहीं है, ट्रस्टेड है, इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, उनका कमेंट पढ़ सकते हैं, सक्सेसफुली सब लिख रहा है, देखिए सब यहाँ पे कमेंट पर लिख रहा है कि हाँ काम हुआ है, देखिए सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ लिखा हुआ। आप यहाँ से इसके थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं, अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। तो मुझे फिलहाल सच में नहीं करना था अनब्लॉक, मेरा ऑलरेडी अनब्लॉक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, सोल्यूशन कर दिया जाए, तो मैंने कर दिया। इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने IMEI को अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ब्लॉक हो जाता है। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करते, तब तक ले बाय, जय हिंद, धन्यवाद।